अगर आपको पाकिस्तान की जीडीपी के साइज का कंपैरिजन किसी से करना हो तो किससे करेंगे? रुकिए रुकिए, किसी देश से कंपैरिजन मत करिए। पाकिस्तान की जीडीपी के आकार के लिए तो भारत की एक कंपनी की मार्केट वैल्यू ही काफी है। यहां हम बात कर रहे हैं टाटा ग्रुप की। आप कहेंगे भला एक देश और एक कंपनी में कैसी बराबरी? बात सही है। दरअसल टाटा ग्रुप का बाजार मूल्य यानी मार्केट वैल्यू इतना बढ़ गया है कि पड़ोसी देश पाकिस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था को अकेले ही मात दे सकता है। हालांकि हम आज पाकिस्तान पर कम और टाटा की ताकत पर बात ज्यादा करेंगे। भारत के सबसे बड़े व्यापारिक घराने यानी टाटा ग्रुप का बाजार पूंजीकरण 365 बिलियन डॉलर यानी 30 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का हो चुका है। दूसरी तरफ IMF का अनुमान है कि पाकिस्तान की GDP लगभग 341 बिलियन डॉलर होगी। 30 लाख करोड़, आप समझ रहे हैं इस नंबर का मतलब कितना बड़ा है? 30 लाख करोड़ के बाजार पूंजीकरण में लगभग 15 लाख करोड़ तो यानी 170 बिलियन डॉलर मूल्य तो अकेले केवल टाटा की एक कंपनी यानी TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का ही है, जो कि ना केवल भारत की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है बल्कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का लगभग आधा साइज है। इससे एक बात तो साफ तौर पर क्लियर हो जाती है कि टाटा का कारोबार कितना विशाल है। ये जो टाटा ने करिश्मा कर दिखाया है ना, वो केवल टाटा समूह के बाजार मूल्य में हालिया बढ़त के कारण है। अगर आप इस पर नजर डालें तो आपको मालूम चलेगा कि टाटा की कम से कम 25 कंपनियां स्टॉक एक्सचेंजों में लिस्टेड हैं, जिनमें टाटा मोटर्स से लेकर ट्रेंट, टाइटन, TCS और टाटा पावर तक ने मल्टीवैगर रिटर्न दिया है। इनमें से केवल एक ही कंपनी है टाटा केमिकल्स, जो पिछले एक साल में 5% नीचे गई है। बाकी सब ने कमाल करके दिखाया है। लिस्टेड की तो बात ही छोड़ दीजिए, खैर यदि टाटा सन्स से लेकर टाटा कैपिटल, टाटा प्ले, टाटा एडवांस सिस्टम और एयरलाइंस कारोबार यानी एयर इंडिया और विस्तारा जो कि नॉन लिस्टेड कंपनियां हैं, इनके बाजार मूल्य, इनके मार्केट कैप को अगर आप देखेंगे, बस फिर तो कमाल ही हो जाएगा। लिस्टेड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक अनुमान के तौर पर, क्योंकि लिस्टेड नहीं है इसलिए, इन ही कंपनियों का बाजार मूल्य 160 से 170 बिलियन डॉलर से ज्यादा बैठेगा। हालांकि ये केवल एक अनुमान है, यानी ये बाजार मूल्य ज्यादा भी हो सकता है और बहुत जल्द इनमें से कुछ कंपनियों के IPO आपको बाजार में लिस्ट होते भी दिखाई दे सकते हैं, यानी तब आपको सही मायने में इनकी वैल्यूएशन पता चलेगी। चलिए, ये तो बात टाटा की हुई। अब थोड़ा सा ज्ञान, थोड़ा सा जिक्र पाकिस्तान पे भी कर लेते हैं। वैसे तो भारत और पाकिस्तान की तुलना करना बेकार है, बेमानी है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन जानकारी के लिए आपको बता दें, लगभग 7.3 ट्रिलियन डॉलर की GDP के साथ भारत आकार में पाकिस्तान से 11 गुना बड़ा है। वहीं पाकिस्तान की GDP का साइज, जैसा कि शुरुआत में बताया, 341 बिलियन डॉलर है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान 125 अरब डॉलर तक के विदेशी कर्ज और देनदारियों के बोझ तले दबा हुआ है और देश जुलाई से शुरू होने वाले 25 अरब डॉलर के विदेशी कर्ज भुगतान को पूरा करने के लिए पैसा जुटाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 8 बिलियन डॉलर है, जो बामुश्किल 2 महीने के आवश्यक आयात को कवर करता है। इसका कर्ज से GDP अनुपात पहले से ही 70% से ऊपर है और क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को डर है कि इसके कर्ज पर ब्याज भुगतान इस साल सरकार के राजस्व का लगभग आधा हिस्सा सोख लेगा। अब आप सोचिए, एक देश के हाल इतने खस्ता हो चुके हैं कि अपने पड़ोसी से मुकाबला तो करना छोड़ दीजिए, उस देश की एक कंपनी के बराबर भी खड़े नहीं हो पा रही है। खैर, अब आपसे एक सवाल, पाकिस्तान पर नहीं, टाटा पर। टाटा ग्रुप को आप अगले 5 साल में कहां देखते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा।